हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करने का शॉर्ट ट्रिक, जिसकी मदद से आप इसे केवल 2 मिनट में याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए हमने एक मनेमोनिक बनाया है। निमोनिक, विलियम का सन बस गया ईथर में। तो फ्रेंड्स, विलियम का सन से हो गया विलियमसन सिंथेसिस, जिससे आप इसे याद कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है। और बस से मतलब बेस, बस मीन्स बेस। तो इसमें क्या यूज़ होता है रिएक्टेंट में? बेस यूज़ होता है इसमें। और इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है? ईथर। तो विलियम का सन बस गया ईथर में, तो ईथर इसका हो गया प्रोडक्ट। तो फ्रेंड, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 2 अल्कोहल्स, देख सकते हैं सैलिसिलिडिहाइड, ये एग्जांपल लिया हमने सैलिसिलिडिहाइड, और एक ये अल्कोहल है, और इसमें ये यूज़ हुआ है बेस NaOH। प्रोडक्ट क्या बनाया इसमें? ईथर। तो फ्रेंड, इस ट्रिक्स की सहायता से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे डायरेक्ट ही पहचान सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। अगर आपको कहीं 2 अल्कोहल दिखते हैं, उसमें बेस दिखता है और प्रोडक्ट ईथर दिखता है, तो आप इसे पहचान सकते हैं कि ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो फ्रेंड, इसके कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है, दिस रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर ईथर इनडायरेक्टली फ्रॉम 2 अल्कोहल्स। जैसा कि आपने देखा है कि 2 अल्कोहल्स के द्वारा एक ईथर का जो है इसमें फॉर्मेशन हुआ है। और सेकंड पॉइंट है, ए टिपिकल विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इज कंडक्टेड एट 50-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इज कंप्लीट इन 1-8 आवर्स। तो फ्रेंड, इसमें जो उसका टेम्परेचर होता है रिएक्शन का, वो 50-100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो इसका टाइम होता है ड्यूरेशन, वो 1-8 आवर्स होती है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है, ये कई बार बड़े एग्जाम जैसे कि एम्स, जिपमर, BHU वगैरह में पूछ लिया जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस में कितना टाइम लगता है या फिर कितना टेम्परेचर चाहिए। तो फ्रेंड, आपको अगर वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी आपको इस तरह के ट्रिक्स और टिप्स बताते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।